तो पूरा जो सिक्योरिटी बिजनेस है वो मैन पावर ड्रिवन बिजनेस है, यानी कि 90% से ज्यादा अभी तक जितनी भी सर्विसेज है हम डिपेंड करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, और जहां भी ह्यूमन इन्वॉल्व है वहां पे एरर, मिस्टेक्स, ओवर एक्सपेक्टेशंस, अंडर एक्सपेक्टेशंस ये होना बहुत ही नॉर्मल है। और यही बड़ी वजह है कि पूरे बिजनेस में कंप्लेंट्स एक तरह से पार्ट एंड पार्सल है, राइट? आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसके अलावा अब पूरे मीटिंग को हम 3 हिस्सों में देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि कौन से ऐसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से क्लाइंट खुश नहीं रहता अपने सिक्योरिटी एजेंसी के साथ। सेकंड, एजेंसीज के पास ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं, वो किस तरह से इस चीज को टैकल करते हैं, उनका कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उनका प्रोसेस क्या है जब भी क्लाइंट्स उनको कोई कंप्लेंट रेस करता है, वो देखेंगे। थर्ड, हम देखेंगे कुछ लाइव एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पे एजेंसी को लगा कि नहीं, ये क्लाइंट अब हमारे साथ नहीं रहेगा या फिर हमारे साथ डिसकंटिन्यू करेगा, लेकिन अपने अच्छे सर्विस से, अपने कुछ ऐसे अपने प्रोसेस यूज करे या फिर ऐसे कुछ काम किया कि वो क्लाइंट आपने फिर से उनका ट्रस्ट जीता और वो क्लाइंट आज भी आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के साथ कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जरूर होगा और शायद उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा हम सभी को। स्टार्ट करते हैं, जो पहला सवाल है, ऐसे कौन से टॉप 3 बड़े कंप्लेंट्स हैं, बड़ी वजह है जिसकी वजह से क्लाइंट नाखुश रहता है सिक्योरिटी एजेंसी के साथ? उसमें बहुत मेजर पार्ट जो है हाँ जी, एजेंसी का तो है, लेकिन एजेंसी में जो काम करने वाले जो बंदे हैं, मतलब लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड जो सपोज कुछ मिसबिहेवियर कर जाते हैं, मेन प्रॉब्लम है कि मिसबिहेवियर करना, ड्रिंक करके आना या कुछ छेड़खानी करना, इस वजह से ज्यादा करके कुछ चीजों को ये किया जाता है। दूसरा रहता है उनका सिक्योरिटी जो राउंडर रहता है या जो कोई ऑफिसर रहता है, उनका विजिट महीने में कितने बार जाता है, 10 बार जा रहा है या 10 महीने में एक बार जा रहा है, हाँ, ऐसा भी होता है। देखने के लिए भी करेक्ट, नहीं आता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बैठा है, कोई ट्रेनिंग राइट, सेशन नहीं होता है वहाँ पे, बंदे को कैसे वो खड़ा रहना है, कैसे बैठना है, ये सब चीजें देखना जरूरी रहता है। और वो करेक्ट, मेनली अफेक्ट करता है अपने एजेंसी के ऊपर। एक्चुअली एजेंसी बदनाम नहीं रहती, हाँ, बदनाम होती है इन चीजों की वजह से। और ये नीचे वाला जो अपना प्लेटफॉर्म है, वो नीचे वाला प्लेटफॉर्म उसको टैकल नहीं कर पाता आगे वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके नीचे वाले प्लेटफॉर्म को, तो उनकी वजह से वो ओवरलैपिंग हमारे ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा आ जाता है। मुझे राइट लगता है कि मेन वजह रह सकती है। हाँ। सो आपने 2 बताए, एक तो गार्ड्स का बिहेवियर या फिर उनका कंडक्ट कैसे है क्लाइंट के साइड पे, दूसरा है जो सुपरवाइजर्स है उनका विजिट या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है क्लाइंट को सर्विस करने में। सो अच्छी चीज ये है कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये काफी रिपीटेटिव नेचर के हैं, हर महीने ये चीजें होती हैं, तो शायद हम बीच में जब ये डिस्कस करेंगे तो ये भी बात कर लेंगे इसका सोल्यूशंस क्या है और क्लाइंट इसको टैकल कैसे करते हैं, राइट? सो दीपक सर, क्वेश्चन ये था कि कौन से ऐसे टॉप रीजन है जिसकी वजह से क्लाइंट अनसेटिस्फाइड रहता है सिक्योरिटी एजेंसी के सर्विस के साथ? तो बेसिकली जो जो मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो आपका एग्रीड पॉइंट है, जो आपने जब आपने किसी भी सिक्योरिटी किसी भी साइड को आपने डन किया था या एग्रीमेंट किया था, तो जो आपको एसओपी जो आपने उनके साथ साइन किया था, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि वो एसओपी फॉलो ना होना, नंबर 1। दूसरी बात होती है कि कुछ भी कंप्लेन अगर आता है, ठीक, कंप्लेन रहना ये तो बट ऑब्वियस है, जहां राइट, आदमी या ह्यूमन बीइंग काम करेंगे वहां पे कंप्लेन रहेगा। अगर गलती नहीं कर रहा तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि वहां काम हो रहा हो। तो जो अगर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो उसका एक पैट होना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो एक पार्ट होता है। तीसरी बात यह होती है कि जो आपका इमीडिएट फील्ड ऑफिसर है या साइट सुपरवाइजर है, वो कितनी बार पूरे महीने में कस्टमर को टच करता है या उससे राइट, जाके पूछता है कि सर मेरी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपको ऐसा कुछ आपने आपको लगा है ऑपरेशंस में, कुछ आपको इश्यूज लगे हैं तो आप मुझे बताएं, जिसको हम फीडबैक भी बोल सकते हैं। करेक्ट, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप नहीं करते हैं हर इंटरवेल पे या महीने में 1-2 बार अगर आप नहीं करते हैं, तो कस्टमर आपका नाखुश रहेगा। क्योंकि कस्टमर को चाहिए कि कोई जाके उसको पूछे, ना कि वो किसी को बताए। तो करेक्ट, आप कितनी बार
कस्टमर को टच करते हैं, बाकी गलती होना या फिर दारू पीना या ये सब तो चलो इन जनरल है, ये सब तो ह्यूमन एरर है इस पे आ जाए तो आ रहा है। बट सबसे बढ़िया एज ए एजेंसी आपको जो बेसिकली आपने जिस जब आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को लिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो टर्म्स पे आपने लिया, जो एसओपी पे लिया, वो एसओपी कितना फॉलो हो रहा है, कितनी बार आप कस्टमर से मिल करके आप डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अगर आपको नया इनोवेशन आता है जैसे स्मार्ट सुपरवाइजर है, तो स्मार्ट सुपरवाइजर अगर आपको कहीं पे किसी कस्टमर को जा करके आपका जो आपका फील्ड ऑफिसर है, ऑपरेशन मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, या खुद जा करके कस्टमर से डिस्कस कर नई टेक्नोलॉजी उसको बताइए कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, तो जितना ज्यादा ये सब चीजें अगर लैक होती है तो वो कंप्लेन में तब्दील होती है और बाद में ऐसा कस्टमर को लगता है कि इन्होंने तो ले लिया बस हमें कोई देखने वाला नहीं, तो ये सब कंप्लेनिंग मोड होता है मुझे जो लगता है। जी जीते जी आपसे सवाल था एक, कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कंप्लेंट नहीं करता लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि वो खुश है। मैं आपको ये मतलब मैं दीपक जी से 100% एग्री करता हूँ। सबसे बड़ा रीजन जो होता है क्लाइंट का वो ये होता है फॉल ऑन कमिटमेंट, ये हमारी साइड से, क्योंकि जब हम साइट लेते हैं ना तब हम साइट लेने पे हम क्लाइंट से बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स करते हैं, सर ऐसा होगा हमारा, ये होगा हमारे, इतने टाइम में चेकिंग होगी हमारे, ये टैट है हमारे, वो है, और वो चीजें हम फुलफिल नहीं करते। तो वहां पे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस वहां से ही फॉलो होना चालू होती है। सेकेंडली हो जाता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे दीपक जी ने बोला कि हम अगर टाइमली कस्टमर से क्लाइंट से हम बात नहीं कर रहे तो वो कहीं ना कहीं पे ना खुश चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे आपकी एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वहां पे, एक प्रॉब्लम का आपका हीप बन रहा है, हीप ऑफ प्रॉब्लम्स हो रही है, ढेर बने जा रहा है। अगर आप एक रेगुलर टच में रहते हैं तो आपके पास कोई भी छोटी कंप्लेन भी आई, कुछ भी हुई, तो आपने वो टाइमली उसको मीट आउट कर लिया, तो कस्टमर आपको नेक्स्ट टाइम के अंदर गिनाने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, वो आपको रीसेंट प्रॉब्लम ही बताएगा। अगर अपन नहीं मिलते उससे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो उसके पास इकट्ठी होती रहती है कंप्लेन, आप जाएंगे तो वो आपके ऊपर एक साथ बॉम्बार्डमेंट, मतलब ये भी है, ये आपने ये नहीं किया, आपका आदमी ये था, आपका आदमी 10 दिन पहले ये करा, उसने ये किया, 2 महीने पहले उसने ये किया, तो मतलब उस समय पे क्लाइंट से डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब उसके पास में बहुत हीप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी उस समय पे। अगर टाइमली अपन उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, टाइमली हम उससे बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे ये मान के तुम्हें प्रॉब्लम्स कट डाउन होती जाती है। नेक्स्ट टाइम पे क्लाइंट अगर कुछ बोलता है कि भाई ऐसा है, तो अपन बोल सकते हैं कि सर वो आपने कंप्लेंट करी थी, वो हमने उसको टाइमली हमने रिस्पॉन्ड करके उसको सही कर दिया, उसको छोड़ के नेक्स्ट आप बताएं कि क्या हो सकता है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन था कि क्लाइंट अगर कंप्लेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या वो ये माना जाए कि वो हमेशा खुश है, तो सर ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्लाइंट अगर कंप्लेन नहीं कर रहा है तो कुछ क्लाइंट बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के भी होते हैं, जो ये है वो वेट करते हैं कि एक हीप लगने दें प्रॉब्लम्स का एक साथ, तो फिर एक साथ ही बॉम्बार्डमेंट करेंगे और एक साथ ही हटाएंगे हम, उनके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, या कोई दूसरी एजेंसी वाला उससे कांटेक्ट करके उसको कुछ अपना पिच कर चुका होता है, तो उसके पास एक सेकेंड ऑप्शन उसके हाथ में होता है। तो वो अगर क्लाइंट आपसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कभी नहीं मानना चाहिए, ये मानना चाहिए सर कहीं ना कहीं खतरा है। अगर क्लाइंट कंप्लेन नहीं कर रहा आपको, क्लाइंट ये है, तो उसका मतलब रेड लाइट इज ऑन, राइट राइट। मैं एग्री करता हूं, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लाइंट्स को शायद बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है और वेट करता है एक बेटर ऑप्शन का, अगर कोई उनको पिच करेगा और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो एक ही झटके में वो, उनके पास वजह नहीं है कि वो आपके साथ स्टे करें, क्वाइट अ वैलिड पॉइंट। तूफान के पहले की शांति, हाँ जी वो बोल सकते हैं। तो अजय शुक्ला जी, ऐसे कौन से ऐसे कॉमन चैलेंजेस या फिर कौन से ऐसे कॉमन कंप्लेंट्स आते हैं क्लाइंट्स के एजेंसी को लेके, जो अभी हमने कुछ डिस्कस करे जैसे कि गार्ड्स के बिहेवियर को लेके, सुपरवाइजर्स के फ्रीक्वेंट विजिट, जीते जी ने बताया ओपन कम्युनिकेशन के रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन है काफी इंडस्ट्री में जिसकी वजह से क्लाइंट खुश नहीं रहता एजेंसी के साथ? ये सब चीज शुरू होता है जब क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हम मीट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स हम लोग नहीं किए, हमने वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहीं से धीरे धीरे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर गार्ड की क्वालिटी सही, प्रॉब्लम तो आएगी, सिक्योरिटी के पास चैलेंजेस आएंगे,
अगर हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे तो ही मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हमसे होगा। अब ये कहने कि कोई प्रॉब्लम आए नहीं तो ये इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो गार्ड अगर एजुकेटेड है, गार्ड अगर रिस्पॉन्सिव है, गार्ड अगर रिस्पॉन्सिबल है हायरार्की आल्सो, तो 90% प्रॉब्लम वो वहीं पे ट्रैप कर लेता है गेट के ऊपर या जिस पोस्ट पे वो है वहीं पे ट्रैप करके उसका सोल्यूशन ढूंढ के, लोकल सोल्यूशन ढूंढ के वो उस चीज को सॉल्व करके अपने क्लाइंट को एक रिपोर्ट दे देता है कि ये प्रॉब्लम आई थी, मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। एंड द मोमेंट द क्लाइंट कम्स टू नो कि ये प्रॉब्लम आई थी, उसको सॉल्व कर दिया, तो देन आपको एक एप्रिसिएशन मिलता है उसकी तरफ से, चाहे किसी भी वे में वो अप्रिशिएट करेगा आपको दैट ही विल डू इट। नाउ मैं इधर पे, मैं थोड़ा सा इधर पे डायग्रेस तो नहीं कहेंगे, पॉइंट तो वही है, लेकिन लेट मी स्टार्ट विद द डे वी टेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कमिटमेंट्स लिखे होते हैं, व्हाट द क्लाइंट विल डू एंड व्हाट द एजेंसी विल डू। नाउ व्हाट हैपेंड, इट इज नॉट द ओनर ऑफ द एजेंसी हु परफॉर्म्स द टास्क, इट इज द पीपल डाउन द लाइन, राइट फ्रॉम द ओनर टिल डाउन द लाइन, सबको वो टास्किंग होती है। जैसे कि हमको अपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो भी कमिटमेंट्स लिखे हुए हैं वो कमिटमेंट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। That is to say, different लोगों को गार्ड आपका ऐसा करेगा, सुपरवाइजर ये करेगा, गनमैन ये करेगा, तो वो पॉइंट्स निकाल के एक SOP, एक जनरल SOP में कन्वर्ट करके उन लोगों को आपको देनी पड़ेगी कि ये मैनेजमेंट हमसे अपेक्षा रखता है कि ये हम करेंगे। और उसमें कुछ पार्ट हमारा होता है, जैसे कि टाइमली पेमेंट हो गया और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हो गए, विजिट्स हो गए, है ना। ये तो जब तक हम सबको उस टास्क को तोड़ के सबको नहीं पकड़ाएंगे, और उसके बाद उन चीजों ऑडिट आपका करना जिससे कि हमने जो टास्क लोगों को दिया है वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये इफ दे आर नॉट डूइंग इट कैन वी इम्प्रूव इट बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बाय एजुकेटिंग दोस पीपल, कि या फिर पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स और नया ब्लड लाके, नए गार्ड्स को लाके हम उनकी जो भी डिमांड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है मैनेजमेंट की पूरी कर सकते हैं। तो इट इज अ होल सेट ऑफ कमिटमेंट्स, अगर ये सारा चीज नहीं हम करेंगे तो क्लाइंट हमको प्रॉब्लम देगा। और टू से कि क्लाइंट जीरो प्रॉब्लम देगा तो ऐसा हो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी अ जीरो प्रॉब्लम, राइट। यस, सो इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट लिया जाए, अगर मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करूं, कौन सी ऐसी बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से साइट जो है या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू होता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को मिलके बनती हैं, या फिर कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट चले गया, क्योंकि ये छोटा इंसिडेंट नहीं है, इसकी वजह से जो फ्यूचर आपके कैश फ्लोज है, बिजनेस है, वो खराब होते हैं। जो आपने बात बताई और पहले भी दीपक जी ने और गीतेश जी ने भी शेयर किया, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, and to put it together what all you have been discussing, the thing goes like this, ki agar hum unse regular basis pe nahi milenge, hamara security officer daily reporting nahi karega, to it is something like a pressure cooker, right. Roz milenge koi na koi प्रॉब्लम आएगी, वो आपको प्रॉब्लम दे, प्रेशर जब बढ़ता जाएगा ना, आप मिल रहे हो ना, सिक्योरिटी ऑफिसर उसको अटेंड कर रहा है, तो वो प्रेशर जब इतना जब क्रिएट हो जाएगा, देन ही विल थिंक ऑफ एन अल्टरनेटिव, और फिर वो आपसे बात करना छोड़ देगा। जैसे आपने बोला ना, जब वो बात करना छोड़ दे और आपको कंप्लेन नहीं करे, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा ये तूफान के पहले की शांति है। नाउ ही हैज टेकन अ डिसीजन, ही हैज टेकन अ कॉल, नाउ ही डजंट बॉदर वेदर हाउएवर एंड व्हाटएवर यू गिव देम, राइट राइट। So, one has to be in touch with those regular basis. अच्छा, अब बात ये आती है कि लोग उनसे मिलते क्यों नहीं है। अजय अजय सर रिपीट करेंगे, आप थोड़ा आवाज कट रहा था। अजय सर एक बार रिपीट करेंगे आप वापस से। ओके, मैं ये कह रहा था कि लोग जनरली उनसे इसलिए नहीं मिलते, मैं अगर जाऊंगा, मेरे को ये भय रहता है कि मेरे अगेंस्ट
गार्डों ने काम ठीक से नहीं होगा, सुपरवाइजर रिपोर्टिंग नहीं होगा, मैन पावर कंप्लीट नहीं होगी, मैं उनके सामने बैठूंगा तो वो चाइल्ड तो मेरे को नहीं पूछेगा, वो चार बातें और सुनाएगा। तो इस भय से वो आदमी बैठता नहीं है सामने जाके, वो अपने जूनियर को आगे भेज देता है। एंड दिस शुड नॉट हैपन, एंड वी मस्ट हैव द यू नो द एबिलिटी टू बेयर दोस शॉक्स, है ना, थोड़ा सा बेशर्म बनना उनके सामने बैठ के, अगर हमारी गलती भी है तो वी शुड बी एबल टू से सॉरी, वी विल मेक इट अप एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ हम अगर हम अपनी बातों में ईमानदार हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम उन चीजों को प्लग करेंगे जो कंप्लेन। सो दीपक सर, जो हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं जहाँ पे गार्ड्स का बिहेवियर है, सुपरवाइजर विजिट है, ओपन कम्युनिकेशन, सेटिंग एक्सपेक्टेशन बिफोर टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। जो मेजर कंप्लेंट्स हैं वो रिपीटेटिव नेचर के हैं, इट्स नॉट लाइक कि कोई दो या छह महीने में एक बार आता है, ये रेगुलर चीजें हैं। तो ऑब्वियसली हर एक एजेंसी ने एक सिस्टम बनाया होगा। बात बोलता हूं। हाँ दीपक जी, इसमें है ना कि गार्ड को जाके प्रेशर करने से अच्छा पहले ये है कि आपके लोग जो डेली जा रहे हैं, चाहे वो आपके जो साइड आपका देखते हैं, जैसे एग्जांपल ये तो सब उसी हिसाब से काम कर रहे होंगे, तो एरिया मैनेजर को एक सेट ऑफ एरिया दिया जाता है, सेट ऑफ फील्ड ऑफिसर दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है, सेट ऑफ कस्टमर्स दिए जाते हैं, ऑपरेशन मैनेजर को वैसे ही टीम बिल्ड दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहला प्रेशर आपको आपके जो इमीडिएट आपके एम्प्लॉई हैं उनको होना चाहिए कि उनकी डेली विजिट हो। आपका अगर ट्रेनर आपके एजेंसी में है या फिर आपके अगर आपके पास नहीं है तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं, एरिया मैनेजर है, तो उनको उतना प्रेशर होना चाहिए कि उनकी ब्रीफिंग। तो मेरा बोलना यह है कि आपके जो टीम है उनका उनके ऊपर आपका प्रेशर होना चाहिए, उनको एक टारगेट होना चाहिए कि उनको वीकली क्या करना है, उनको एक हर पॉइंटर पता होना चाहिए कि आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको रिपोर्ट होना चाहिए, कितनी बार विजिट हुआ, कितनी बार ब्रीफिंग हुई, कितने बार कस्टमर विजिट हुआ। तो ये सब चीजें अगर टाइमली होगी तो जो नेक्स्ट लेवल जो परफॉर्मेंस है जो गार्ड है उसका परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो सारी बातें कर रहे हैं इसका सार एक ही है। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, जिनको हमने अपने सैलरी पे रखा हुआ है, उनका एक टारगेट सेट होना चाहिए, उनको डेली बेसिस पे क्या काम करना है उनको वो पता होना चाहिए, और उनका वीकली रिव्यू होना चाहिए कि जो आप चाहते हैं, जो आज हम बात कर रहे, चाहे वो जीते जी बात कर रहे हैं या सर बात कर रहे हैं या दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं, अजय शुक्ला सर ने भी जो बोला वो आई एम टोटली एग्री विथ यू। तो ये सब ये जो परफॉर्मेंस देना है वो देना गार्ड को, और गार्ड को ट्रेनिंग देना है आपके लोगों को, कस्टमर से मिलना है आपके लोगों को, रिस्पॉन्सिबल बनाना है गार्ड को या साइड सुपरवाइजर के आपके लोगों को। तो ये जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और जिनको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करानी है, जिसको कस्टमर का कंप्लेंट सुनना है, जिनको एक प्रोफेशनल एटमोसफियर क्रिएट करना है साइड पे या आपकी कंपनी में, वो लोग कितने ज्यादा आपकी उस चीजों को रिस्पॉन्सिबिली लेते हैं और उसको आपको रिपोर्ट करते हैं, या आपका जो भी रिपोर्टिंग मॉड्यूल होगा वो चीज थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट अगर ज्यादा करें और उसमें डीपली जाए तो एंड जो विल वेट फॉर यू। सेकंड, दीपक सर जो बोल रहे थे उसी पे कंटिन्यू करते, जो मेरा सवाल पहले था इसके कि कंप्लेन, जैसे अजय शुक्ला जी ने बोला कंप्लेन आना कॉमन है, आप कुछ ना कितना भी कर लें आप कंप्लेन से बच नहीं सकते, ये जानने के बाद एजेंसीज के पास ऐसे कौन से मॉड्यूल्स हैं या फिर कौन से तरीके हैं जिससे वो कंप्लेंट को हैंडल करते हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे एक कंप्लेंट, जैसे हमारे पास टोल फ्री नंबर होते हैं कंपनीज के, तो उन्होंने एक नंबर दे दिया कि आपके जो कॉमन कंप्लेंट्स आप इस नंबर पे करिए, या फिर कोई ईमेल सेपरेट आपने बनाया है। नॉर्मली क्लाइंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉल करते हैं, पर वो कॉल करने के बाद कितने टाइम में वो कंप्लेंट रिसॉल्व होता है, ये सारे प्रोसेस अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग लेवल पे चलते हैं, राइट। तो कंप्लेंट मैनेजमेंट को कैसे आपने अपने एजेंसी में बिल्ड किया है या फिर कैसे डेवलप किया है, उस पर थोड़ा लाइट दे दीजिए। सब जय, हमने तो एक 24/7 का एक कस्टमर केयर नंबर, एक हेल्पलाइन हमने बना रखी है। हाँ, जो हमारे दिन के जो सुपरवाइजर फील्ड ऑफिसर होते हैं, दिन में वो नंबर उनके पास रहता है जो ऑफिस मैनेजमेंट देखता है बंदा, और नाइट का जो हमारा बंदा होता है वो उसके पास रहता है। इसके अंदर हमने टैट फिक्स करे हुए हैं प्रॉब्लम वाइज,
अगर ये चीज होती है तो इसका सॉल्यूशन यू विल गेट इन दिस मच टाइम, इतना टाइम इतना टाइम, ठीक है। अगर रात को कोई कंप्लेन आती है इमीडिएट, तो उसका नेचर ऑफ कंप्लेन देखी जाती है कि मान लीजिए कहीं पे किसी क्लाइंट का आया कि आपका गार्ड ड्रिंक करके आया हुआ है, हाँ जी, तो उस तरह की कंप्लेन के ऊपर तो उसको तुरंत ही मीट आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि वहां से या तो आप गार्ड को रिप्लेस करेंगे या उस गार्ड को वहां से हटाएं करेंगे। तो कुछ कंप्लेन ऐसी होती है जो इमीडिएट उसका सॉल्यूशन मांग रही है, कुछ होती है कि कंप्लेन को जिनका रिस्पॉन्स का टाइम लिया जा सकता है। तो द पर्सन हु इज पिकिंग द कॉल शुड नो इट बेटर कि कौन सी कंप्लेन ऐसी है, वो जज कर सकता है कि ये मेरे को इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है इस प्रॉब्लम का, और इस प्रॉब्लम को मैं एक बार फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स या फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स मैं उसको एक बार टाल सकता हूँ। उसको करके आइडेंटिफाई करके वो प्रॉपरली वो बात कर लेता है, क्लाइंट से बात कर लेता है, ठीक है सर हम सुबह से बात करके आपके जो भी है उससे करके कोई ना कोई सॉल्यूशन हम मीट आउट करेंगे। उसके बाद एक सबसे बड़ा है फीडबैक, आपने जो इनिशिएट करवाया था स्टार्टिंग में फीडबैक फॉर्म वाला, वो बहुत अच्छा प्रोसेस है, उससे आपको एग्जैक्टली आपके साइट की इनसाइट मिल जाती है आपको कि क्लाइंट का फीडबैक आपको डायरेक्टली आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके अंदर बीच में आपके सारे जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं, आपके ब्रांच मैनेजर है, आपका सुपरवाइजर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, वो सब जने वहां पे कट डाउन हो जाएंगे बीच में, right. वो एक तरह से कम्युनिकेशन डायरेक्ट आपको और क्लाइंट का आ गया, आपके पास फीडबैक अगर आ रहा है तो आप वो डायरेक्टली देख के जज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आपके फील्ड ऑफिसर्स या आपके ऑपरेटिंग स्टाफ के कमियों की वजह से आई होंगी, वो प्रॉब्लम्स आप तक वो लोग पहुंचने नहीं देंगे, वो ये देखेंगे कि भाई हमें ऊपर तक ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक यार ये चीजें जाए नहीं, हमारी कंप्लेंट्स नहीं जाए। तो बहुत जगहों पे हम अलूफ रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि सब क्या हुआ साइट पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो। तो वो फीडबैक का फॉर्म सबसे बेस्ट है, एक 24/7 का कस्टमर को दे दिया नंबर आपका, वो सबसे बेस्ट है। कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि मेरे को जब कंप्लेन है या क्या है तो मेरे को कहाँ पे बात करनी है, किन से बात करनी है मेरे को, और कहाँ पे मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंडली, जब कस्टमर नाराज होता है उस समय पे सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि उसको सुनना, लिसन करना। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं या अधिकतर लोग क्या करते हैं, उस समय पे कस्टमर से बहस करने लग जाते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं सर मेरा गार्ड ये नहीं कर सकता है, आप सब मैं देखूंगा, मैं करूंगा, मैं चेक करूंगा। वहां पे कस्टमर जो क्लाइंट होता है वो और ज्यादा भिदक जाता है, और ज्यादा वो गुस्सा नाराजगी उसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहां पे एक लिसनिंग की बात है कि नहीं सर बिल्कुल आप बोल रहे हैं तो आप गलत तो बोल नहीं रहे होंगे, इस चीज के ऊपर हम जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन करके सॉर्ट आउट करेंगे। तो लिसनिंग की, तो आपके पास कंप्लेन मैनेजमेंट के लिए आपके पास ऐसे ही बंदा होना चाहिए जिसमें लिसनिंग एबिलिटी। आपने एक किसी भी नॉर्मल बंदे को उठा के अगर आपने कंप्लेन के फोन पकड़ा दिए तो वो उल्टा आपकी साइटों को खराब और कर देगा। Yes. तो जैसे आपने दो चीज मेंशन किया कंप्लेन मैनेजमेंट में, एक तो है कि डेडिकेटेड नंबर दे दिया, टोल फ्री नंबर, टोल फ्री तो एक्सपेंसिव हो जाता है, पर एक नंबर आपने डेडिकेटेड दे दिया जो क्लाइंट को एटलीस्ट पता हो कि आपको कंप्लेन इस रूट के थ्रू करना है, राइट right? और वो नंबर आप अपने पास ना रख के अपने जूनियर्स मैनेजर्स या फिर राउंडर्स को दे दें। सेकेंड हो गया कि आप फीडबैक फॉर्म के थ्रू प्रोएक्टिवली यू नो क्लाइंट्स को रीच आउट करें सो दैट वो कंप्लेंट आने से पहले वो यू नो एज अ सजेशन बन जाए ना कि एज अ कंप्लेंट, राइट। उसके अलावा कुछ ऐसा किसी ने यूनिक करा अपने एजेंसी में जहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई यूनिक आइडिया उन्होंने यूज करा है, या किसी स्पेशल क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि हमें इस तरह के कंप्लेंट मैनेजमेंट चाहिए, या इंसिडेंट होने पर इस तरह आप रिस्पॉन्ड करिए, कोई शेयर करना चाहेगा? अजय सर आपके एजेंसी में, दीपक सर आपके एजेंसी में, इसके अलावा आप क्या कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? मोस्टली होता यह है कि अगर हम क्लाइंट को बताएंगे नहीं कि इस तरह से आप कंप्लेंट लाइए तो वो डायरेक्ट आपको कॉल करेगा, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि आप किसी और को नहीं बोल सकते कि ठीक है आपका कंप्लेंट आया, मैं किसी और को रीच आउट करके उसको सॉल्व करता हूँ, यू आर द फाइनल अथॉरिटी। तो हो सके तो कंप्लेंट को आपको डायरेक्टली आपके पास ना आए ताकि आपके जूनियर के जो मिस्टेक्स हैं आप उसको बीच में यू नो कवर अप कर पाए, राइट। तो इसीलिए वो मेथड होना चाहिए। तो आपने ऐसा कुछ करा है या फिर आपने डायरेक्ट नंबर, मोस्टली क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली कॉल कर देता है कि ये इश्यूज हो रहे हैं साइट्स पर? हमने तो एक वो छोटे से वो स्टिकर्स टाइप बना रखे हमने, हाँ जी, उसके फॉर क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स कॉल ऑन दिस नंबर जो हमारा है, वो हमारे हर साइट के ऊपर जो गार्ड रूम होता है
वहाँ पे होता है वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं उसको हर जगह जो मुझे समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल नंबर ही ज्यादा यूज करते हैं राइट यस रवि सर यस या हम लोग अभी कैसे कर रहा है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है ये क्लाइंट और एजेंसी की तरफ से करेक्ट मैं वेट कर रहा था इसका हाँ जी इसमें क्या होता है क्लाइंट का एक कमेटी होता है ना सोसाइटी का एक कमेटी होता है कोई एचआर होता है कोई भी जो भी होता है सो हमारा तरफ से फील्ड ऑफिसर और सुपरवाइजर और हमारा एचआर डिपार्टमेंट नहीं तो एक मालिक कोई भी उसमें ग्रुप में रहता है उसमें जो भी कंप्लेंट्स होता है ना सो उसमें वो लोग शेयर करता है सो उसमें क्या होता है थोड़ा फील्ड ऑफिसर कंपनी तक लेके नहीं आता है वो लोग खुद सॉल्व करते हैं बाद में ज्यादा बड़ा हो जाता है सो छोटा छोटा चीज कंप्लेंट भी वो ग्रुप में डालेगा तो हर एक आदमी को पता होता है कंपनी तरफ से भी पता होता है सीएसओ होता है ये होता है सो ये ऐसे हम लोग कर रहा है बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है बिकॉज क्या होता है कंप्लेंट सिर्फ एक वर्बल चीज नहीं जहाँ पे फोन करके किसी ने बता दिया कि आपका सिक्योरिटी गार्ड लेट आया है यूनिफॉर्म बराबर नहीं है वगैरह वगैरह तो फोटोज हो गया वीडियोज हो गया वो कॉमनली आप शेयर कर सकते हो और एक सिस्टम रखने से अच्छा कि व्हाट्सएप ग्रुप में सबको पता चल गया कि क्या इशू है वहां पे एरिया पे जो सुपरवाइजर है वो भी फाउंडर्स मालिक और मे बी एडमिन स्टाफ जो रवि सर ने बोला तो ये मेथड भी काफी कॉमन है एंड आपके जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं या फिर जो ज्यादा फ्रीक्वेंट आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उनको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और आई थिंक सो ऐसा चैनल ओपन होने से उनके सारे प्रॉब्लम्स पहले उसमें जाएंगे और जो आपको कॉल्स आते हैं रात को ऑड आवर्स में ऑफ वर्किंग आवर्स में एटलीस्ट वो कम हो जाएगा क्योंकि क्लाइंट को पता है कि मैं कॉल करने से अच्छा मैं व्हाट्सएप पे वो मैसेज डाल दूं एंड लेट्स सी वो रिप्लाई आ जाएगा उनमें yes. उनमें क्या होता है पूरा कमेटी का मेंबर्स का भी इन्वॉल्व हो जाता है और ऑफिस का टीम का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सो हम लोग सिक्योरिटी से बात करने के लिए भी ये हमारा एक प्रूफ मिल जाता है करेक्ट हर एक आदमी 12 घंटा 8 घंटा हर एक आदमी ड्यूटी नहीं कर सकता है उसमें आधा घंटा 10 मिनट ऐसे सो जाता है और आजकल सब लोग 90% गार्ड्स मोबाइल में जिंदा रहते हैं सो इसमें हम लोग कुछ अवेयर नहीं कर सकते सिर्फ वो लोग कैसे भी आपने आप लोग का ये बनाया सुपरवाइजर का उसमें काफी हेल्प हो रहा है हम लोग का सो इसमें भी लुक पॉइंट क्या अभी हम लोग फेस कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड्स वो उनका फोटो खींच के आ जाते हैं वो किधर बैठ जाते हैं उसको स्क्रीनशॉट मार के एंट्री करता है अच्छा तो उसका तो सर हाँ तो आप शायद सिस्टम का बात करें स्मार्ट सुपरवाइजर का या उसके अच्छा उसमें जीपीएस ट्रैकिंग है अभी जीपीएस ट्रैकिंग है तो अगर कोई फोटो लेके बैठ जाएगा तो फिर हम ट्रैक कर सकते हैं वो इश्यू नहीं आएगा अभी स्मृति जी आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर गुड इवनिंग एवरीवन आई होप आई एम ऑडिबल यस यस सो आई एम वर्किंग एज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर इन ग्रुपेल आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद माय स्मॉल इंट्रोडक्शन Right. And I'm getting to know a lot of things about how we can really improve on really making a good connectivity with the customers and the things that are being discussed over here that I try to do being as a team to have it on the ground level as well. Right. So I am. Smriti ji, aap customer services mein exactly kya karte hain? कस्टमर के कंप्लेंट्स होते हैं या फिर सम अदर टाइप ऑफ प्रोएक्टिव सर्विसेज यू गिव सो जनरली माय कोर इज माय कंप्लेंट डिपार्टमेंट ओके सो हाउ कस्टमर कांटेक्ट्स यू दे डू दे कॉल यू डू दे ईमेल यू व्हाट्सएप यू और उसके बाद आपका नॉर्मल प्रोसेस आपके कंपनी में क्या है कैसे आप टैकल करते हैं इस चीज को सर जनरली आई गेट कंप्लेंट्स टू व्हाट्सएप जैसे कि सर ने बताया कि ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है ईमेल्स के थ्रू हैं देन हमारे हायर मैनेजमेंट के पास जो एप्लीकेशन आती हैं उसके थ्रू वी गेट द कंप्लेंट्स राइट एंड मोर ओवर ये मैंने पर्सनली अपना अपनी तरफ से एड ऑन करना स्टार्ट किया है जब से मैंने कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ आई जनरली मंथली बेसिस पे आई गिव 30 to 35 कॉल्स टू माई कस्टमर्स रैंडमली चाहे वो ब्रांच मैनेजर हैं चाहे वो एडमिन हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं सो दैट आई गेट एन आइडिया कि
ग्राउंड लेवल से कैसे मेरी कंपनी जो है, मेरे जो ब्रांच मैनेजर्स हैं, जो मेरे फील्ड ऑफिसर्स हैं, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है. सो इट्स लाइक दैट वे आई ट्राई टू डू. मेरे को छोटे छोटे लिक्विड पॉइंट्स पता लग जाते हैं, ओके, दिस आर द पॉइंट जिससे मेरे को इम्प्रूव करना है. राइट, सो मोस्टली ये मंथ के एंड में होता है. इट्स मोर लाइक अ फीडबैक कॉल. राइट, सुपर. राइट, सो ये भी अच्छा आइडिया है, बिकॉज ईमेल से जो फीडबैक हम लेते हैं, देयर आर थ्री मेथड जो हमने डिस्कस करे प्रीवियस मीटिंग्स में. एक तो आप फीडबैक फॉर्म दे दीजिए बिल के साथ, अगर उसका रिस्पॉन्स कम आ रहा है तो आप ईमेल सेंड करिए. एटलीस्ट क्लाइंट शुड नो कि ऐसा कोई सिस्टम है या ऐसा कोई विंडो है जहाँ पे मैं अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता हूँ. और ईमेल का जो ओपन रेट होता है बहुत कम है, तो बेटर टू कॉल देम. राइट, महीने में एक कॉल एक क्लाइंट को आई पर्सनली थिंक बहुत भारी नहीं पड़ेगा. हम खुद ना कॉल करके अपने एडमिन स्टाफ से कॉल करा सकते हैं, उनको एक स्क्रिप्ट दे सकते हैं कि उनको इस तरह कॉल करना है कि मैं जैसे दीपक सर का है तो वहाँ पे होगा कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम ब्रिज गार्ड प्रोडक्शन सर्विसेज एंड इट्स अ फीडबैक कॉल, और आपको कोई इश्यूज है तो आप मुझे बता सकते हैं. 30 seconds, 60 seconds का कॉल, एंड इफ दे हैव दे विल कम्युनिकेट, अदरवाइज दे विल डिसकंटिन्यू. और जो आपका स्टाफ रहेगा दे कैन राइट इट डाउन क्या रिस्पॉन्स आया था, कॉल पिक हुआ नहीं हुआ, कॉल बैक करना है कि नहीं करना है, सारी चीजें हैं. राइट, सो काफी अच्छा मेथड है स्मृति, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग. ओके, एंड सो हमारा दो पार्ट हो गया. हमने कंप्लेंट्स देखे, मेजर कंप्लेंट्स क्या है, अलग अलग एजेंसीज को कैसे टैकल करते हैं थ्रू कॉल्स, थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल. इसके अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट आपने शेयर करना चाहेंगे जो ऐसा लगा कि ये क्लाइंट अभी हमारे हाथ से गया, प्रॉब्लम अब इतना हो गया कि ये क्लाइंट हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, पर स्लोली ग्रेजुअली आपने ऐसा किया कि क्लाइंट का ट्रस्ट आपने वापस विन किया एंड देन दैट क्लाइंट इज स्टिल विद यू एसोसिएटेड आपके एजेंसी के साथ, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जस्ट यू नो टू शेयर विद एवरीवन. यस यस रवि सर, स्मृति सर, स्मृति मैम, आफ्टर रवि सर वेलकम टू यू. ये आईसी हम लोग अभी रिसेंटली फेस किया था, तो इसमें हम लोग क्या किया, सिक्योरिटी का फीडबैक फॉर्म हम लोग हर एक सोसाइटी हर एक इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया. एक कमेटी में 10-15 लोग होता है, सो वो लोग सिक्योरिटी को अच्छे से फेवर हो जाता है. सो दूसरा लोग को क्या, थोड़ा लोग को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ग्रुप, उसमें 2-3 ग्रुप होता है. सो हम लोग क्या एजेंसी तरफ से क्या किया, कितना ब्लॉक है, कितना फ्लैट है, हर एक आदमी को हम लोग सिक्योरिटी का फीडबैक का फॉर्म दिया था, सीक्रेट फॉर्म. सो वो लोग क्या किया, अरे डे शिफ्ट सिक्योरिटी, एक स्माइल टू स्माइल, ऐसे हम लोग किया था. सो उसमें हम लोग फीडबैक लेके उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट किया, कितना सिक्योरिटी उन लोग को ठीक नहीं है. सो ये हम लोग को बहुत सारा यूज होता है, मतलब उसमें थोड़ा हम लोग का खर्चा होता है, मतलब ₹1 वन पेपर जेरॉक्स करके ये प्रिंटिंग करना. इसमें क्या है, हम लोग सिक्योरिटी का हाथ में नहीं देना है, हमारा ऑफिस तरफ से कोई भी एक आदमी सुपरवाइजर जाके हर एक सोसाइटी में जाके हर एक घर में जाके देना है, वो लोग फीडबैक फॉर्म देता है. तो इसमें हम लोग थोड़ा यूज कर सकते हैं, कमिटी क्या चाहता है और सोसाइटी क्या चाहता है और रेसिडेंट्स क्या चाहते हैं. तो इसमें हम लोग को थोड़ा इजी होता है. सो हम लोग को ये लास्ट टाइम हम लोग ये एफर्ट किया था, सो अच्छा रिजल्ट मिला, फिर नया सोसाइटी हम लोग को फिर से रिन्यूअल किया. राइट सर, ये काफी अच्छा स्ट्रेटजी है, बिकॉज मैंने कई एजेंसी ओनर से सुना है कि रेसिडेंशियल में ज्यादा मजा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं. आपने एक ग्रुप को सेटिस्फाई किया तो दूसरा ग्रुप आपसे नाराज है. राइट शायद, लेकिन जो रवि सर जो अभी कर रहे हैं, जो इनोवेटिव तरीका है, आई थिंक सो आप रेसिडेंस में ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन करिए, एक सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं, देयर इज अ हाई चांस कि उनके रिलेटिव्स दूसरे सोसाइटी में रहते हैं, उनके दूसरे फ्लैट्स होंगे वहां पे, बाकी प्रॉपर्टीज होंगे. राइट, तो एक सोसाइटी में हाँ, अगर वो देखते हैं कि हमारी जो एजेंसी है सिक्योरिटी एजेंसी, वो इस तरह के इनिशिएटिव ले रही है, तो ये वर्ड ऑफ माउथ उस पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड होता है. And there's a high chance अगर कुछ किसको सुनने में आया कि इस साइट में सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है, तो आपका रिफरल या आपका यू नो रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली चले जाता है. तो ये काफी इनोवेटिव तरीका है, एंड आई गेस सोसाइटीज ये करते भी हैं. जब उनको अपने मंथली मीटिंग्स के कुछ सिग्नेचर करने होंगे तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी भेज देते हैं कि आप लेके जाओ, सबसे साइन लेके आ जाओ. तो उसी तरह से यू कैन हैव वन स्टाफ जो भी आपका सुपरवाइजर विजिट कर रहा है, सिंगल शीट, सबके लिए अलग अलग नहीं करने की जरूरत है. उसमें फ्लैट नंबर आपने लिख दिया और यस नो 2-3 ऑप्शंस दे दिए, गुड, वेरी गुड, बैड, समथिंग लाइक दैट, एंड लेट देम टिक. एक फन वे में एक्टिविटी विद द परमिशन ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स आप कर सकते हैं, और देखिए बहुत अच्छा डेटा निकल के आएगा. यू नो एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी महीने में एक बार. नाइस नाइस, थैंक यू. यस
दीपक सर ऐसा कोई इंसिडेंट, अजय सर ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें, जहां लगा कि क्लाइंट तो गया अभी, लेकिन कुछ आपने ऐसे टर्न अराउंड करा कुछ अपने एक्सपीरियंस से कि यू विन बैक दैट क्लाइंट? क्लाइंटिंग सोसाइटी वाला बात है जो कि मेरा अजय सर, अजय सर पहले दीपक सर को लेते हैं बिल्कुल। हां प्लीज। सॉरी अजय सर। नहीं ना सर। दीपक ऐसा है कि एंड ऑफ द डे अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड या साइट सुपरवाइजर अगर अच्छे से काम कर रहा है तो सारे कंप्लेन का कोई मतलब नहीं होता है। जनरली उसी गार्ड के काम को हम एनालाइज करने के लिए कस्टमर से पूछते हैं। तो जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर आदमी जो वहां पे डिप्लॉयड है उसके काम को एनालाइज करने के लिए हम पूछ रहे हैं कस्टमर को, राइट? तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि किसी सर ने बोला कि उनके साइड पे ऐसा हो गया था, तो मेरा भी एक पवई आप जानते ही है, वहां पे एक मेरी साइड है, वहां पे क्या हो गया कि जो वो फील्ड ऑफिसर देख रहा था वो गांव गया था, और जब वो वापस आ रहा था तो ऑन द वे उसका मोबाइल चोरी हो गया, और 3 दिन मोबाइल, बिकॉज बिहार से ऑन द वे बॉम्बे 3-4 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, तो उस 3 दिन वो मोबाइल स्विच ऑफ रहा और वहां पे अब्सेंटी हो गई। आपने मेरे एक्सपीरियंस हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित आप पूछ रहे थे। यस। मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि मैं ने सोचा इट इज बेटर टू कंसंट्रेट एल्सवेयर देन एनी हाउसिंग सोसाइटी। ओके। तो जिस तरह की आप लोग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो कि वहां कहते हैं ना जितना मुंह उतनी बातें, एवरीबॉडी इज हैंडलिंग और मिसहैंडलिंग सिक्योरिटी एट हिज ओन लेवल। ओके। तो टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन लेवल इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या होता है वहां पे हर आदमी चाहता है कि मेरे को ये पर्सनल सर्विसेज दे, है ना? इट वुड बी यू नो रिलेटेड टू भाई मेरे लिए कुछ सामान लाना है तो सामान लेके आ जा जाके, एंड द मोमेंट ही गोज तो गेट अनअटेंडेड हो जाता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी रखी जाती है वो जस्ट ब्रिंग पे रखी जाती है, जस्ट ऑप्टिमल, लेस देन जस्ट ऑप्टिमम सिक्योरिटी रखी जाती है। तो सिक्योरिटी हाउसिंग सोसाइटी से तो मैंने हाथ खड़ा कर लिया है। बस मैं सोचता हूँ मैं कहीं और ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा तो आई विल यू नो गेट अ बेटर फीडबैक एंड बेटर यू नो अप्रिसिएशन, क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटी तो थैंकलेस जॉब है। तो दैट इज देयर, राइट? सो एनी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ कि आपके कोई क्लाइंट है पुराने और कुछ ऐसी बात हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जहाँ पे आपको लगा कि अभी हमारा एसोसिएशन शायद कंटिन्यू नहीं रहेगा? पर एक तो पेमेंट का इशू बहुत जबरदस्त रहता है। हाँ जी, हाँ जी। एक तो उनके सोसाइटी में ही आपस में झगड़े हो जाते हैं। मैंने एनएसजी सोसाइटी, आप सोचो द सेफेस्ट प्लेस जो मैंने चुना दैट इज एनएसजी सोसाइटी, दैट इज ब्लैक कैट इनक्लेव, दोज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का ग्रेटर नोएडा में उनका हाउसिंग सोसाइटी है, एंड इवन माई ब्रदर इज ऑल्सो इन दैट सोसाइटी, उसी में वो रहते हैं। तो ही सेड कि आओ यू डू इट, और आई सेड कि भाई मेरा ब्रदर है, ही इज एन आर्मी ऑफिसर, तो मैं बहुत बढ़िया सर्विसेज यहाँ दूंगा, फिर मेरे भाई का भी नाम होगा कि हाँ भाई इसके ब्रदर की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आई गेव द बेस्ट ऑफ माई थिंग, लेकिन 8 महीने तक मैं सर्विसेज देता रहा, पेमेंट करता रहा, मुझको एक पैसा नहीं मिला। I did not get a single penny, and now I am fighting a case with those people. Normal societies में ऐसा होता नहीं है, right? आपका special कोई society आपने? नहीं, वो actually क्या है कि बाकी society हैं, they are totally different. नहीं, different तो नहीं होती, सब एक ही जैसी होती हैं। आपस में झगड़ा हो गया society में, और जो आने वाले थे उन्होंने जाने वाले का जो साइनिंग राइट्स हैं चेक के ऊपर वो उन्होंने उनसे छीन लिए, उनसे तो छीन लिए लेकिन किसी को हैंडओवर नहीं हुआ, तो उस मसले में हम फंस गए। राइट। फिर एक और सोसाइटी थी इन लखनऊ इटसेल्फ, तो वहां मैं देखता था हमेशा कोई ना कोई ऐसी स्टूपिड सा कंप्लेंट मिलती थी कि पूछो मत, कह रहे कि वो आपके गार्ड तो उसके लिए ब्रेड वगैरह ले आता है बाहर से या कुछ ले आता है, हम बोलते हैं वो हमारा क्यों नहीं लाता है? हाँ। तो फिर गार्ड को बोलना पड़ता था यू विल नॉट एंटरटेन एनीबॉडी,
है ओके ओके तो अब वो आया फिर जो सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है वो थोड़ा सा अपना वर्चस्व रखता है और एवरी डे ही इज मीटिंग विद द गार्ड्स एंड सुपरवाइजर्स एंड कंप्लेनिंग एंड उनको बात अच्छे से बात भी करता है तो अगर वो कुछ कह देता है और गार्ड ना करे तो उसको भी ऑकवर्ड लगता है कि इसने मेरे से रिक्वेस्ट किया है और मैं इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा हूँ तो जब वो कहता है तो फिर उसका सेकंड उसका पड़ोसी बोलता है उसकी स्पेशली दी वाइव्स इन दिस सोसाइटी दे आर क्वाइट विजिलेंट बाकी तो लोग तो अपने जॉब पे चले जाते हैं लेकिन लेडीज दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन वेयर तो इस सेवेज में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो मैंने बोला कि हाउसिंग सोसाइटी से तो मैंने अपना हाथ खींच लिया आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी वेयर दिस थिंग तो जो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जनरली कोई साइड पे इस तरह से आपकी प्रॉब्लम हो गया और जाने वाली है और देन आपने उसको वापस से ले आया तो उसमें वही हुआ कि जैसे जो साइट सुपरवाइजर था वो जैसे और मैंने बताया ऑन द वे बिहार से आ रहा था उसका मोबाइल चोरी हो गया तीन दिन और जो भी आदमी छुट्टी लेना था उसने ले भी लिया साइट पे आदमी कम हो गए देन जनरली फिर क्या हुआ कि जब वो आया बाद में जो भी वहाँ की कंसर्न लेडी थी अभी हमको आपकी सिक्योरिटी चाहिए उसने लेटर ही भेज दिया डायरेक्ट टर्मिनेशन का लेटर भेज दिया और ये फिर जब वो आया उसके बाद से प्रॉपर सब कुछ चलने लगा बातें हुई हमारी कि ये हमारी कोई जानबूझ के हमने नहीं किया बट इस तरह के इश्यूज बिकॉज साइट तो कोई बॉस देखता नहीं है साइट देखने वाला जो है वो एरिया मैनेजर होता है उसको हमने काफी समझाया जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी कहा कि नहीं जो भी गार्ड है उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो देन सी कंसीडर अस कि नहीं आगे से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज कि उसके बाद से जो भी अभी यही महीने की बात है और जब से उसके बाद जो गार्ड लगे हैं वो प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहे तो उनको निकालने के लिए उनको डर है कि अगर मैं इस एजेंसी को निकालता तो गार्ड जाएंगे और गार्ड गए तो ये काम कौन करने वाला है नया आदमी आगे कौन सिखावे तो अगर आपके गार्ड या जो एंड आदमी जो काम कर रहा है या फिर आपकी टीम जो उसके लिए लगी है अगर उनका परफॉर्मेंस साइड पे प्रॉपर है और जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा काम हो रहा है तो आपको उनको निकालने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है तो वो ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग है वो जो भी रिक्वायर्ड है तो अगर वो आपको प्रॉपर मैनर में आप कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि वो कस्टमर आपका खुश रहेगा और जो नई चीजें आ रही है सिक्योरिटी इंडस्ट्री में आप उनको बताएं और उनको नई नई चीजें ये हम करने